मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और सन्नी पाजी के डाई हार्ट फैंस, पिछले कुछ समय से आपने सन्नी देओल की ये वाली फोटो जरूर देखी होगी और इस पे कई सारे वीडियोस भी देखे होंगे। लेकिन मैं आज जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो आपको 100% कंफर्म कर देगा कि ये तीनों की तिकड़ी, इनके बीच में जो खिचड़ी पक रही है, सब बताऊंगा। इससे पहले प्लीज, सन्नी पाजी के फैन है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। 500 लाइक का टारगेट है, प्लीज लाइक कर देना। सन्नी देओल के फैंस प्लीज लाइक कर देना। दरअसल हाल ही में नंदापुरी बालाकृष्ण और सन्नी पाजी और गोपीचंद मालिनी की ये फोटो वायरल चल रही है और इस पर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये मीटिंग में बोलना चाहूंगा कि गोपीचंद मालिनी और सन्नी देओल के लिए कुछ खास हो सकती है, उसका रीजन क्या है। नंदा मोरी बालाकृष्ण, जी हाँ, ये एक ब्रांड नेम है और साउथ में इनका क्रेज आपने नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। साउथ में उनका बहुत ही बड़ा क्रेज है और अब जिन तीनों की मीटिंग से ये पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी तो जरूर पक रही है। वो क्या हो सकती है मैं आपको बताता हूँ। दरअसल सन्नी देओल की आप सभी को पता ही होगा कि जट मूवी आ रही है और उस पर बहुत ही तेजी से काम स्टार्ट चल रहा है और 19 अक्टूबर को सन्नी देओल का बर्थडे है तो कहीं ना कहीं उस दिन हमें जट मूवी के रिलेटेड कुछ न कुछ देखने को जरूर मिल सकता है। पॉइंट पर आते हैं कि इन तीनों के बीच में चल क्या रहा है, तो मैं आपको बताऊं तो सन्नी देओल हिंदी और बॉलीवुड के बहुत ही बड़े स्टार है। ये मूवी बन रही है साउथ में तो कहीं ना कहीं गोपी चंद मालिनी के माइंड में ये जरूर होगा कि मेरे को इस मूवी में साउथ का भी कोई स्टार चाहिए होगा। बात तो सही है। ऐसे तो सन्नी देओल की साउथ में भी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है, लेकिन साउथ की मूवी में अगर साउथ का कोई हीरो दिख जाए तो उसका बज नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये मीटिंग देखते हुए मुझे पर्सनली लग रहा है कि जट मूवी में हमें कहीं ना कहीं नंदा बालाकृष्ण का रोल देखने को मिल सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, कैमियो या एक एक्सटेंडेड रोल हमें जरूर देखने को मिल सकता है और ये फोटो इस बात की गवाही दे रही है। ये प्लानिंग मेकर्स की मास्टरपीस प्लानिंग साबित हो सकती है। वो कैसे मैं आपको बताऊं, अगर हिंदी ऑडियंस में सन्नी देओल का क्रेज है तो साउथ ऑडियंस में नंदा मोरी बालाकृष्ण का क्रेज है। अगर फ्रेम पर ये दोनों एक साथ में देखने को मिल जाते हैं तो भाई साहब, साउथ ऑडियंस और हिंदी ऑडियंस दोनों मूवी पर टूट पड़ेगी और थिएटर ब्लास्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मूवी का बज बढ़ जाएगा और मूवी का कलेक्शन हिंदी ऑडियंस इवन साउथ ऑडियंस से बहुत ज्यादा आने के चांसेस है। तो कहीं ना कहीं गोपीचंद मालिनी के माइंड में होगा कि हम दोनों को एक साथ इस मूवी में लेके आए। अगर ये बात सच हो जाती है तो कहीं ना कहीं मूवी नेक्स्ट लेवल पर जा सकती है। ये फोटोस देखने के बाद तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस मूवी में नंदा बालाकृष्ण का कैमियो रोल हो सकता है। उस पर अगर दूसरी थ्योरी खोजी जाए तो ये भी हो सकता है कि नई मूवी की प्लानिंग भी चल रही हो। कहीं ना कहीं इसके बाद सन्नी देओल और नंदा मोरी बालाकृष्ण एक नई न्यू मूवी भी लेके आ सकते हैं। लेकिन अभी तक मुझे लग रहा है तो ये जट मूवी के रिलेटेड ही कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। तो आपको क्या लगता है, सन्नी देओल और नंदा मोरी बालाकृष्ण को साथ में हमें जट मूवी में देखने को मिल सकते हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सन्नी देओल के फैन हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सन्नी देओल और नंदा मोरी बालाकृष्ण के फैन हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए आपके अपने भाई के चैनल पागल बॉलीवुड को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू मेरे भाई, मेरे दोस्तों।